सोलन में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला वन विभाग कार्यालय का दौरा किया, जहां मंत्री गोविंद सिंह ने अधिकारियों को भावी योजनाओं की जानकारी दी। ठाकुर दिल्ली से शिमला जाते हुए कुछ समय के लिए सोलन कार्यालय में रुके और सोलन वन मंडल कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार भरपूर कोशिश कर रही है और करीबन 6.50 करोड़ की नई योजना आरंभ करने जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि 100 दिन के टारगेट को फॉरेस्ट विभाग ने समय से पहले पूरा कर दिया था और सभी कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ का IDP जो प्रोजेक्ट है, अब ये प्रारंभ हो रहा है और लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हिमाचल प्रदेश के सब किसानों के लिए इसका लाभ मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट की हमने थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की। हमने अपने 100 डेज के टारगेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो कुछ कहा था, 100% हमने अपने लक्ष्य को 100 दिन होने से पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया। और इसलिए कि अब आगामी आने वाले दिनों में जो जो हमने कहा है उन सब की प्रॉपर गाइडलाइन बन के अब उनको अमलीजामा पहनाएंगे। तो इको टूरिज्म के अंतर्गत हमको प्रदेश में बहुत कुछ करना है, लेकिन उसको और आसान कैसे किया जा सके ताकि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिले और आने वाले पर्यटकों को भी हम पर्यावरण प्रेमी स्थल उपलब्ध करवा सकें। वहीं जब वन मंत्री से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में हो रही घटनाओं पर अफसोस जताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, वह उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि चक्की जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई मामला जाए तो उसमें वह हिमाचल वासियों के हितों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करें, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। इस प्रकार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के कोई भी करता तो बहुत गलत करता है। और अभी तो पुलिस ने गोली मारने वाले को गिरफ्तार किया है और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अभी प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोग इस बात को और अधिक सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बॉर्डर एरियाज और विशेष तौर पर जिसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट है, ऊना डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, इन सब इलाकों को भी अधिक संभालने की आवश्यकता है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो मुझे ये कहना है कि भाई किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए।